आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशंस। तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर वीवीए में हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, हमने वेरिएबल डिफाइन करना उसके बारे में हम बताया था। चलिए उसी वेरिएबल्स के बिहाफ पे हम बताते हैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिससे आपको वेरिएबल्स को और ज्यादा यूज करने का तरीका पता चल जाएगा। तो हम चलते हैं वीवीए विजुअल बेसिक में, इंसर्ट मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि अब मुझे मान लीजिए कि ये करना है, मैं छोटे छोटे माइक्रो बना रहा हूं जिसे कैलकुलेशन समझ सके। ये माइक्रो का ऑफिशियली मैं यूज नहीं है, लेकिन हाँ वेरिएबल्स का इस्तेमाल आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने मुझे क्या है कि दो वेरिएबल्स इनपुट करवाने हैं और आउटपुट पे मुझे देना है। तो मुझे यहाँ पे दिया हमने डिम, मुझे दो डेटा इनपुट करवाने हैं, तो डिम हमने बोला क्वार्टर वन। अच्छा आप एक्सेल एक्सेल के कंपेयरिंग लेके चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मेरे पास मान लीजिए क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, क्वार्टर वन एंड क्वार्टर टू, जो हमने एक्सेल के अंदर में किया था याद होगा, जब मैंने एक्सेल फॉर्मूले पढ़ा रहे थे उस समय जो हमने पढ़ा था वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो डिम यहाँ पे क्वार्टर वन कॉमा क्वार्टर टू एज ए लॉग। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक ही टाइप के कई वेरिएबल्स को इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं, समझे। जैसे मुझे दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो मैं अलग अलग दो लाइनें लिख सकता हूँ, क्यू वन डीम क्यू वन एज ए लॉन्ग एंड डीम क्यू टू एज ए लॉन्ग। मैं दो अलग अलग लाइन भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ दो अलग अलग लाइन नहीं देखी, मैं यहाँ एक सिंगल लाइन में भी कॉमा लगा के हम दोनों को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारा आता है दूसरा, आता है डिम, मान लीजिए हम ग्रोथ जी आर एज डबल। अब यहां हमने डबल क्यों लिया, कुछ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे यहां उनका ग्रोथ निकालना है, तो ग्रोथ का परसेंटेज करता है कि लेटेस्ट मल्टीप्लाइड बाय ओल्डेस्ट, नहीं लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाय ओल्डेस्ट, राइट। तो जाहिर सी बात है परसेंटेज निकल रहा है तो डेसिमल में होगा, क्योंकि परसेंटेज तो डेसिमल में होता है, राइट सर, इसलिए हमने यहां पे लॉग लिया। अब यहाँ पे जी आर, क्योंकि वैल्यू स्टोर जी आर पे होने वाली है, तो जी आर इक्वल टू क्वार्टर वन माइनस क्वार्टर टू डिवाइड बाई क्वार्टर वन, और यहां पे भी आपको ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना होगा, इसका ध्यान आप रखिएगा। सर क्यू टू माइनस क्यू वन होगा, Q2 माइनस Q1 यहाँ पे हो गया, लेकिन अभी तो Q1 और Q2 ब्लैंक है, कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई है। और आप इनपुट बॉक्स पे चाहिए तो आप इनपुट बॉक्स पे ले सकते हैं, या फिर आपको एक्सेल शीट से लिंक करना है एक्सेल शीट से लिंक कर सकते हैं, जैसे कि A3 एंड B3 एंड C3 पे स्टोर। तो हमने यहाँ पे लिख दिया Q1 इक्वल टू रेंज A3 डॉट वैल्यू। अब एक चीज और तरीके से हम क्यों वापस रेंज रेंज से क्यों उठाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ जहां जहां हमारा Q2 टू Q3 है वहां हम रेंज भी तो लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां भी बनता है कि हम डायरेक्ट यहां इसको उठा के हम यहां डाल सकते हैं,
समझ गए कि रेंज रेंज बी थ्री माइनस ए थ्री डिवाइड बाई थ्री डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन और देता हूं कि रेंज सी थ्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज दबा पड़ेगा रेंज बी थ्री डॉट वैल्यू माइनस रेंज ए थ्री डिवाइड बाई रेंज ए थ्री। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स की जरूरत क्या है, तो अब यहां पे क्वेश्चन उठता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो क्या हुआ सर, आप भी देख रहे हैं कि कितना छोटे लाइन में हो गया है और कितना बड़ा है। अभी चलो आपका रेंज ए वन बी वन सिंपल है तो आप इसको स्टोर करा दे रहे हो, लेकिन कल के रेंज में आपके पास बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन मेथड होंगे, बड़े बड़े रेंज होंगे, रेंज ए 65,000 आप एक्स ऑप्शन वगैरह लगाओगे तो बुरा बन जाएगा, जो कि बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी और फिर उसको नेविगेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हम इस वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, हम वेरिएबल्स पे स्टोर कर देंगे फिर कैलकुलेट करके वापस हम अपने रेंज में डाल देंगे। सी थ्री डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जी आर। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखेंगे कैलकुलेशन। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज आपने यहाँ पे दो चीजें सीखी। पहली चीज सीखी कि आप वेरिएबल्स डिफाइन करते समय मल्टीपल वेरिएबल्स ले सकते हो और कैसे वेरिएबल सोचोगे, और वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर करके फिर हम इसकी कैलकुलेशन वेरिएबल पे क्यों करेंगे, ये भी आपको समझ में आ गया सर? हाँ जी सर। अब चलिए एक और कैलकुलेशन करते हैं एमआरपी की, जो हमने एमआरपी की जो कैलकुलेशन है उस एमआरपी की कैलकुलेशन। तो एमआरपी की कैलकुलेशन जैसे कि हमने बताया था एक्सेल, जब एक्सेल पढ़ा रहे थे आपको, उसी कैलकुलेशन को लेकर चलते हैं। एमआरपी ओपन क्लोज, तो यहां पे हम dim cost as a long लेते हैं और dim, अब देखिए जो function name है वो आप define नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिए। सर इसमें long क्यों ले रहे हैं, इसमें integer भी ले सकते हैं क्या? Integer लेंगे तो दिक्कत होगा कि 32,000 से ऊपर नहीं जाएगा ना फिर सर। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे हमारा ए है
एमआरपी है, तो एमआरपी तो काफी बड़ा भी हो सकता है ना सर। ठीक है सर, और सर डबल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई वैल्यू उस पर डेसिमल में भी जा सकती है। डबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम जब परसेंटेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं और परसेंटेज की कैलकुलेशन में तो मोस्टली यही होता है ना सर। और सर अगर ये मैं कॉस्ट को भी अगर डबल ले लूं, मतलब ये क्योंकि वो भी डेसिमल में हो सकता है, हाँ ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो डबल उसमें भी काम करेगा हाँ कॉस्ट में भी। ठीक है काम तो हम देखिए काम तो सब जगह करेगा सर। ठीक है, बस वो मेमोरी का एक फर्क आ जाएगा। हाँ मेमोरी का फर्क आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है सर, सर शोर बहुत आ रहा है पीछे से। सर आज सरस्वती पूजा कल थी ना, तो सर आज उन सुबह उसी की बज रहा है सुहा। शार्थे हो रहे हैं इसलिए सर। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, अब जैसे कि मैं चीज हम और बताना चाह रहा था कि हमने अलग लाइन किया, हम यहाँ पे भी कॉमा लगा के, ठीक है ना, यहाँ पे भी डीम कॉस्ट एज ए लॉन्ग, और यहीं पे मैं एम एज ए डबल लिख सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो। और फिर मैं कॉस्ट इक्वल टू इनपुट कॉस्ट, एक सेकेंड से होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे m इक्वल टू कॉस्ट और इसमें मल्टीप्लाई किया और हमने मैसेज बॉक्स दे दिए। हम प्ले करते हैं तो पूछ रहा है मुझसे कॉस्ट, मैंने कॉस्ट 50 दे दिया, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है। अब यहाँ पे की और देखिए कि यहाँ पे 79695 आपको दिख रहा है ना, क्या रिकॉर्डिंग सर इतना लेट क्यों आए हैं समझ में आ रहा है? नहीं मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा सर। लेट आए हैं ना, जब मैं दे रहा था तब थे नहीं। अच्छा चलिए मैंने दे दिया रिकॉर्डिंग, स्टार्ट कीजिए। इस समझ में आ गया आपको सर? तो इसमें आपने सीखा कि हम जब भी वेरिएबल्स के जरिए कुछ के जरिए मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डेसिमल्स ये परसेंटेज का सिंबल एक्सेप्ट नहीं करता है हमारे माइक्रो में, और हम इस तरह से भी एक लाइन में डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखिए m जो हमारा है वो क्या है, डबल है, और डबल होने के कारण डेसिमल में आ रहा है, मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए, तो मैं इसको लॉन्ग कर दूंगा तो डेसिमल्स में नहीं होगा, लेकिन फिर हमारा ये इफेक्ट कर जाएगा, टोटल इफेक्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन कई पार्ट में है, कई स्टेप में है, ठीक है ना आपको सर। तो अगर मैं m को लॉन्ग कर दिया तो ये पहला पार्ट में क्या होगा, डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करेगा, कम ही डेसिमल एक्सेप्ट करेगा। तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर 50-50 पैसा के भी डिफरेंस आ गया तो इसमें एक दो रुपए का डिफरेंस आ जाएगा, समझ गए? तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। तो मुझे यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूं के एज ए लॉन्ग। तो के एज ए लॉन्ग लास्ट में लिखा, जरूरी नहीं है लास्ट में लिखना, लास्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर हम यहीं पे कॉस्ट कॉमा के कर देते हैं जो कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं के इक्वल टू एम। तो इससे क्या फायदा होगा सर? राउंडिंग ऑफ कर देगा सर। हाँ ये राउंड अप कर देगा, समझ गए? ये आपका राउंड हो गया। अब अलग करके देखिए,
यहाँ पे मैं 25 दिया अभी। हाँ क्या ये मिस्टेक है सर? उसमें चेंज करना है ना सर, मैसेज बॉक्स में मैं गेट कर देता हूँ। हाँ तो मैसेज बॉक्स के करके इनके जगह पे की होना चाहिए तो सही होता है। समझे सर? सर k इक्वल टू m मतलब m से वैल्यू ले रहा है क्या? k को लॉन्ग कर दिया और m की वैल्यू को k पे स्टोर कर दिया। k एक लॉन्ग है जो कि डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके सर। तो वो क्या कर देगा, इसको राउंड कर देगा, डेसिमल एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। समझ गए? अब जैसे कि मैं यहां पे सही, अब यहां पे एक चीज और जो करते हैं, इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स पे आने वाले एरर्स की बात करते हैं कि वेरिएबल्स पे किस तरह का एरर्स आ सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एरर कौन सा है। सबसे पहले जैसे मैंने लिख दिया डिम आर एज ए बाइट, राइट सर, और हमने आर के ऊपर में -52 कर दिया, तो क्या आएगा इस पे? इस पे आएगा ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का एरर आया, इसका मतलब क्या समझिएगा कि वेरिएबल्स पे आपने लिमिट से ज्यादा डाल दिया। समझ गए? तो ये -25 में आ जाए और मैं 500 कर दूंगा फिर भी आपको ओवरफ्लो आएगा। तो ओवरफ्लो क्यों आया? क्योंकि जो बाइट का कैपेसिटी कितना है 255, इसलिए इसने ओवरफ्लो का एरर दिया, राइट। अब दूसरा एरर के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए बाइट ही है और मैं इस पे कुछ लिख देता हूं टैग्स, अब क्या रहेगा? अब एरर मैसेज आएगा टाइप मिसमैच का। टाइप मिसमैच का एरर है, इसका मतलब क्या है सर? कि ये जो वेरिएबल है और बना हुआ है नंबर के लिए और आप डाटा डाल रहे हैं टेक्स्ट का, मतलब कि आप अलग टाइप का डेटा डाल रहे हैं। समझ गए? और रिजल्ट भी अगर ओवरफ्लो होगा तो तब भी वही एरर देगा सर। फॉर एग्जांपल R into Y, मान लीजिए 10 into 25, 250 हो गया तो ठीक है, 10 into 50 है तो 500 हो गया तो फिर रिजल्ट एरर आएगा। तो ये एरर आएगा। अब मैं कुछ और ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं यहाँ पे अगर मैं डिम एज ए हमने डाल दिया स्ट्रिंग और फिर मैं के इक्वल टू इंपर्टेड कॉमा में पूजा प्लस कविता कर रहा हूं तो एरर आना चाहिए ना सर? देखिए क्या आता है, MSG बॉक्स तो अगर आप स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के ऊपर अगर प्लस का सिंबल करते हैं तो ये &% का काम करता है, मतलब कि ज्वाइन करने का काम करता है। तो टेक्स्ट में भी ऐसे करेगा, मान लीजिए प्लस 10 करेंगे पूजा प्लस 10 हाँ है सर। सिंपल कंकार्डिनेट कर देगा सर।
और अगर सर मान लीजिए पूजा प्लस 10 लिखेंगे तो क्या रिजल्ट दिखाएगा? प्लस 10 ही दिखेगा, पूजा प्लस 0। कौन प्लानिट करता है सर, कौन पता नहीं। बट सर 10 तो जैसे हमारा न्यूमेरिक है वो स्ट्रिंग में। हाँ पूजा 10 आ जाएगा। ओके समझ गए। हाँ जी हाँ जी। तो इसलिए ऐसा बताया कि आगे की जब आप यूजर फॉर्म पढ़ेंगे तो यूजर फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को जो आप उस पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको वहां पे ज्वाइन कर देगा। मुझे प्रॉब्लम हुई थी शुरुआत में जब मैं कर रहे थे तो मैं हमेशा ख्याल होता था कि मैं वैल्यू डालता था और प्लस प्लस कर देता था, फिर भी दिक्कत होती थी। दिक्कत क्या हो रही है समझे ना? मतलब कि अब जरूरी नहीं है कि पूजा कविता ही हो। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन कर दिया, दो तीन कर दिया कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह से, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एफ इक्वल टू 50 और मैंने यहाँ पे लिख दिया एल इक्वल टू 20। अब मैं के इक्वल टू 50 प्लस 20 करता हूँ और एम एस जी बॉक्स में के को करता हूँ। अब इसको प्ले कीजिए, उत्तर आ गया ना? अच्छा अब अगर मैं इसी को अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ यहाँ। अच्छा यहाँ मैसेज बॉक्स के यहाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि के और एफ और एल जो सब हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है, बट इसके ऊपर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, नंबर स्टोर कर रहे हैं। दिख रहा है आपको सर? यस न्यूमेरिक वैल्यू। जब नंबर के ऊपर अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो नंबर कन्वर्ट हो जाता है इसमें, टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है नंबर में। सेम मेथड यहाँ पे हुआ है, इसे ये माफ कीजिएगा मैं गलत कर दिया, एक एफ प्लस सर, लेकिन इसका टाइप तो स्ट्रिंग है ना सर। हाँ मतलब कि आपका नंबर स्ट्रिंग है अगर, लेकिन आपने स्टोर नंबर किया है तो फिर वो कैलकुलेशन करने से ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन वो कैलकुलेट कर देगा, समझ गए ना? मतलब सर आप बता रहे जैसे एक्सेल में हम लोग नॉर्मल लिखते हैं टेक्स्ट नंबर ही रहता है बट वो सिंगल कोड लगा देते तो एज ए टाइप टेक्स्ट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई भी वैल्यू अगर प्लस करते हैं तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देते। हाँ तो यहाँ पे भी सेम होता है कि अगर आपने स्ट्रिंग स्ट्रिंग पे नंबर स्टोर कर दिया है तो फिर वो क्या कर देगा, वो उसको ज्वाइन नहीं करेगा, उसको प्लस कर देगा, कैलकुलेशन कर देगा। लेकिन जब आप स्ट्रिंग पे नंबर एंट्री कर रहे हैं वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आप इनवर्टेड कॉमा के अंदर में डाला, इट मींस स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपने डाला, जब इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपने डाला तब वो क्या करेगा, तब वो जो प्लस नहीं करेगा कैलकुलेट करेगा, वो ज्वाइन करेगा। दिख गया सर? अगर एफ में स्ट्रिंग और एल के में आई एल में वैल्यू है तो देन स्ट्रिंग प्लस वैल्यू आ जाएगा, वो कुछ कैलकुलेशन नहीं करेगा। ठीक है तब भी वैल्यू ले लेगा। हाँ कैलकुलेशन नहीं करेगा, तो इस सब का ध्यान आप रखिएगा। तो आप इसी तरह के कुछ 8-10 कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपको वेरिएबल्स और अच्छा समझ में आ जाए। फिर हम कल की क्लास में ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ वेरिएबल्स पढ़ाएंगे, ठीक है? और फिर मूव टू बैक टू टॉपिक, जो हमारा टॉपिक चल रहा था रेंज, उस पर मूव कर जाएंगे। सो इसमें मेरा दो क्वेश्चन है। वन इज जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, डिम कॉस्ट के एज लॉन्ग आई सब, कितना हमने डिक्लेयर कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिट। देखिए लिमिट ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि नो लिमिट तो एक्सेल में है ही नहीं। अच्छा कंप्यूटर में आप अनलिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकते। हमारे हम लोग सब एमसीए में पढ़ रहे थे तो हम लोगों को बताया गया था कि अनलिमिटेड वर्ड कंप्यूटर के लिए नहीं बना हुआ है, क्योंकि कंप्यूटर जब भी कुछ करता है तो एक मेमोरी में अपना स्पेस लेता है और हमारे पास अनलिमिटेड हार्ड डिस्क नहीं है। एंड दूसरा है तो बस जैसे हमारे फिनिश करने दीजिए,
तो आप अपना डिफाइन तब तक कर सकते हैं जब तक कि एमआरपी की जो एमआरपी आपका जो सब्जेक्ट है आपका उसका साइज जो है मोर देन 255 केवी नहीं हो जाता है। अच्छा मतलब उसमें वेरिएंट लॉन्ग डबल में सारे को चूज करूंगा मैं। हाँ डिम कॉस्ट K is long, M is double, and L is something कुछ और variant ऐसा एक एक ही लाइन ले सकते हो, लेकिन आपकी मैक्रो की पूरी मैक्रो की साइज जो है एक मैक्रो की साइज 255 kb से ऊपर होगा तो मैक्रो परफॉर्म ही नहीं करेगा। ओके हाँ आप पहले क्लास में बताएंगे ठीक है तो बट सेकंड वन ये सर अभी वो जो MRP हमने कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे किसी स्पेसिफिक सेल्स का ले रहे हमने अगर उसको एक फॉर्मूला जैसे कहीं पर भी यूज करना चाहिए तो आप फंक्शंस में पढ़ाओगे फंक्शन में पढ़ाऊंगा जी ठीक है बस इतना ही था मेरा क्वेश्चन थैंक्स सर मेरा एक सवाल है हेलो सर मेरा एक सवाल है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग भी कैलकुलेशन करती है राइट अभी स्ट्रिंग में कैलकुलेशन होके आ गया तो फिर हम क्यों इंटीजर लॉन्ग डबल लेंगे डबल तो चलो डेसिमल के लिए है लॉन्ग और इंटीजर फिर क्यों लेंगे जब स्ट्रिंग ये करता है तो ओके ये भी क्वेश्चन आपका सही है कभी कभी क्या होता है कि इंटीजर नहीं लॉन्ग जब आप लेंगे तो लॉन्ग क्या करता है कि अगर आप डेसिमल में नंबर डाल दिए तो वो उसको राउंड राउंड कर देता है जैसे आपने डाल दिया 15.56 तो 16 ले गया समझ गया बट इंटीजर क्या करेगा वो डेसिमल्स को रिमूव करके वो जस्ट 15 ही एक्सेप्ट करेगा तो पहले रिक्वायरमेंट ये हुई कि आपको अगर डेसिमल रिमूव करके लेने हो तो आप इंटीजर पे डाल दीजिए लेकिन इंटीजर की साइज भी कम होती है तो अगर मान लो कि आपको कम वैल्यू लेनी हो तो इसका दूसरा चीज साइज का डिपेंड करता है ना मान लीजिए कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स लेने हैं और आपको पता है कि मान लीजिए आप मंथ ले रहे हो 1 से 15 ले रहे हो मंथ 112 होता है तो मंथ के लिए आप बाइट डिफाइन करोगे क्यों क्योंकि वो आपको पता ही है कि 1 से 12 नंबर ही एंट्री होगा एज पर रिक्वायरमेंट हम वेरिएबल पहली चीज होती है कि आप अपने साइज को कम करने के लिए डिफाइन करोगे बाइट या इंटीजर और दूसरी चीज होती है कि जैसे कि डेसिमल को कन्वर्जेशन जो होता है डेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल को रिमूव करना या राउंड करना लॉन्ग राउंड करता है इंटीजर ये करता है रिमूव करता है तो आपको रिक्वायरमेंट है रिमूव करने का तो रिमूव ले लीजिए इंटीजर ले लीजिए अगर सर अगर फॉर एग्जांपल कि मुझे पता नहीं है कि आगे वेरिएबल क्या होगा तो एज ए स्ट्रिंग ले सकते हैं हम नहीं तो वो जब आपको पता नहीं है कि वेरिएबल क्या है तो आप ले सकते हैं वेरिएंट लास्ट क्लास वेरिएंट हाँ बताया था राइट ठीक है नहीं तो फिर ये कंफ्यूजन रह गया ना कि स्ट्रिंग फिर जब स्ट्रिंग दोनों काम कर रहा है तो व्हाई समझे स्ट्रिंग नॉन कैलकुलेटिव डेटा होता है स्ट्रिंग के जो होता है नॉन कैलकुलेटिव डेटा होता है स्ट्रिंग के ऊपर टेक्स्ट के लिए लिया जाता है ओके okay. मतलब अगर मोस्ट प्रोबेबली कहीं अगर ऐसा होता है तो स्ट्रिंग कैलकुलेशन भी कर सकता है राइट नहीं कैलकुलेशन फिर कंडीशन मैच नहीं करेगा ना आपका मैच करना आपको बिलू का देखते नहीं थे आप कि अगर टेक्स्ट में और उस तरह की जो ए आएगा लॉजिकल आएगा तो वो आपको इक्वल नहीं कर पाएगा सिर्फ कैलकुलेशन ही देखिए ना आगे चल के तो आपको कंडीशन को लगाने हैं तो कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर पाएगा ना मैं आपको स्ट्रिंग और एक स्ट्रिंग में होगा दूसरा नंबर में होगा तो सर फाइल वगैरह लोड करते हैं प्रॉब्लम आ जाएगी किसी एक वेरिएबल पे तो उसके लिए भी स्ट्रिंग वगैरह लेते हैं ना सर खास करके उसी के लिए तो जरूरत पड़ती है कल आप ये ऑब्जेक्ट टाइप पर हम कल आपको बताएंगे ठीक है आप प्रैक्टिस कीजिए ना धीरे समझ में आ जाएगा चिंता मत कीजिए